सभी बेरोजगार साथियों को जोहार। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में बेरोजगारी की स्तर क्या हो गई है दोस्तों, और यहाँ के युवाओं क्यों ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर हम झारखंड की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दो आयोग जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक हो जाएगा आपका जेपीएससी और एक हो जाएगा जेएसएससी। और यहाँ पर देखिए तो कभी कभी जो है जेक के द्वारा भी एग्जाम करा लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम जो कंडक्ट कराने का काम है जेपीएससी और जेएसएससी करती है। अगर जेपीएससी की बात करें अगर दोस्तों, तो 5 साल में एक बार वैकेंसी देती है और इसको पंचवर्षीय योजना की तरह चलाती है, यानी कि झारखंड के बने दोस्तों 20 साल हो गया है, और 20 साल में मात्र 6 जेपीएससी, और 6 में भी अगर अच्छे से जांच करा दे दोस्तों, तो इसमें से 50% जो लोग हैं वो किसी न किसी गलत तरीका से इसमें शामिल हुए हैं। तो कौन अधिकारी हैं जो हमारे भविष्य के साथ इतना खेल रहे हैं? तो वही अधिकारी हैं दोस्तों जो बाहर से आ करके और यहाँ के सिस्टम को ही चेंज करके पूरे सरकार को ही चला रही है। आखिर क्या ऐसे कारण है? तो यहाँ सबसे अगर दोष माना जाते हैं तो हम सरकार को दोष मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको बैठाए हैं सरकार में, ये सिर्फ मुखौटाधारी के लिए नहीं बैठाए हैं, बल्कि आपको काम करने के लिए बैठाए हैं, उस अधिकारियों के ऊपर आपको शासन करने के लिए बैठाए हुए हैं। यहाँ थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि सिस्टम कैसे काम कर रही है झारखंड में। यहाँ जो है जितनी स्टाफ की आवश्यकता है, यानी कि जितना BDO है, CEO है, SDO है, SDM है, जितने हैं वो सभी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और कहीं भी काम रुका हुआ नहीं है। तो ये कौन अधिकारी है जो काम बहाली नहीं हो रही है फिर भी काम कर रहे हैं? तो ये बहाली नहीं हो रही है फिर भी काम कर रहे हैं जो बाहर से IAS ऑफिसर आ रहे हैं वही काम कर रहे हैं। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि बाहर से ऑफिसर आएंगे, वो कानून व्यवस्था तो बनाएंगे दोस्तों, सब कुछ चलाएंगे, लेकिन एक अपनी माँ, एक सौतीली माँ में फर्क होती है। अगर यहाँ की युवाओं JPSC के माध्यम से जब सेलेक्ट होकर के जाएंगे तो यहाँ के ज़्यादा कल्याणकारी काम करेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन वही दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से आए हुए युवा रहेंगे, वो जो यहाँ पर सेलेक्ट होकर के IAS ऑफिसर आ रहे हैं, वो अपने सिस्टम अनुसार चलाएंगे, और कहीं भी जातवाद और क्षेत्रवाद जो होता है दोस्तों हावी होता है, और वही झारखंड में सबसे ज़्यादा हावी देखने को है। अब यहाँ क्या है दोस्तों कि बाहर के जो सरकारी अधिकारी आए हुए हैं वो सिस्टम को अपने अनुसार से चला रही है, और सरकार बस मुँह खोटा बना करके इसे खड़ी होकर के देख रही है। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि जो BDO CEO अगर यहाँ के लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, और उनकी सैलरी जो होगी वो तो दी जा रही है सबको, लेकिन किसको? तो बाहर राज्यों को जो IAS ऑफिसर आ रहे हैं। तो यहाँ जब झारखंड बनाया किसने था, जब यहाँ के लोगों को नौकरी ही नहीं देनी थी, तो आखिर कहाँ गया आपका अभी तक 14 JPSC? अभी तो 20वां JPSC होना चाहिए था ना, आखिर क्यों खा गई सारे JPSC को? अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता तो सिस्टम भी अच्छे से चलती और यहाँ के अधिकारी भी अच्छे से चलाते, लेकिन सारे अधिकारी जो यहाँ के आए हुए हैं बाहर से, वो पूरे सिस्टम को खोखला कर दिए हैं और अपने राज्य के अनुसार यहाँ के सिस्टम को चला रहे हैं, और यहाँ जो सरकार में आप बैठे हुए हैं और सिर्फ दर्शक दे करके बैठे हुए हैं, यहाँ के जो सिस्टम है चला यहाँ के सरकार नहीं रहे, बल्कि यहाँ के अधिकारी चला रहे हैं। सरकार तो बस एक खिलौना है जिसको बजाया जा रहा है और ये बज रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आप हर साल JPSC को बहाली निकालिए, यहाँ के युवा जब सेलेक्ट होकर के जाएंगे तो जरूर अच्छा काम करेंगे, और अपने भविष्य के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्रवाद के लिए बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी काम करेंगे। लेकिन आप तो यहाँ के युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। झारखंड इस नाम का बन गया कि झारखंड एक अलग राज्य है, वन प्रदेश है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। क्या प्राथमिकता आपने दिया है अभी तक? एक भी नहीं दिया है। यहाँ के युवाओं को देखा जाए तो 90% लोग हैं जो बाहर से आकर के नौकरी यहाँ पर कर रहे हैं। आखिर यहाँ जाएंगे यहाँ के युवा तो कहाँ जाएँ? आखिर क्यों इसमें सुधार नहीं हो रही है? अभी तक आपका ना नोटिफिकेशन आया है 7वां JPSC का, ना इसका कोई डेट आया है। आखिर कैलेंडर कहाँ गया वो आयोग का जो हर साल जारी करनी चाहिए थी? आखिर आयोग में तो होनी चाहिए थे ना, तब ना लड़का लोग तैयारी करेगा कि इतने दिन में आपका एग्जाम होगा, इतने दिन में आपके मेंस होगी, इतने दिन में इंटरव्यू होगा, वो कहाँ गए ये सब चीज़ें? आखिर एक युवा 35 साल तक तैयारी कर रहा है, आखिर कब तक वो तैयारी करते रहेगा? आप जब एग्जाम कराने की जब आपकी जिम्मेदारी दी गई है तो आयोग आप सोए हुए हैं, बस 3-4 लाख रुपया सैलरी मिल रही है। यहाँ के अगर विधायकों की बात करें ना दोस्तों, तो पूरे ऑल ओवर में अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सेकेंड नंबर पर आती है तो सबसे ज़्यादा झारखंड के विधायक वेतन लेते हैं। यहाँ की तब तो पैसा ही नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पैसों की खजाना है दोस्तों। विधायकों के वेतन देने के लिए पैसा हो जा रही है, लेकिन यहाँ रोजगार देने के लिए लोगों को पैसा नहीं हो रही है। यहाँ के अधिकारी 3-4 लाख रुपया वेतन उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं? आप कुर्सी में सिर्फ बैठने के लिए कि काम करने के लिए आपको मिली है? आखिर आयोग कब तक आप अपना नोटिफिकेशन जारी कीजिएगा, कब तक कैलेंडर जारी कीजिएगा? अगर JSSC की बात करें दोस्तों, तो वहां पर और बैल रवैया हो गई है। JPSC तो अपने
नाकामी को तो छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। जहां तक देखे दोस्तों, तो पिछले छठा जेपीएससी में जेपीएससी ने गोली चलवा दी थी रास्तों पर, जिसमें एक लड़का का पैर में जख्मी हो गया था। ये क्या सिस्टम है? आखिर सिस्टम को आपको सरकार में बैठाए हैं तो किस लिए? देखने के लिए, किसको? सुधारने के लिए। 7 महीना बीत गया आपको सिस्टम में बैठे बैठे, लेकिन कोई सुधार नहीं है अभी तक। आप कोरोना के आड़ में कब तक लोगों के साथ झलवाइएगा? अब यहाँ का अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों, कि वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं है। पैसा तो पर्याप्त है, लेकिन आप लोगों को बस खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अवैध रूप से खर्चा हो रही है जहाँ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम जेएसएससी की बात करें तो जेएसएससी भी वही हाल में है। आप बताइए कि 2015 में आती है सीजीएल की बहाली, 2016 में एग्जाम लेती है, 17 में एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। अब बताइए कि एक एग्जाम लेती है, एग्जाम रद्द होता है, आखिर सिस्टम में सुधार रहती है अच्छे से? आप नोटिफिकेशन में बोले कि 15% रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट देते हैं तब 8% रिजल्ट देते हैं। आखिर गलती किसकी है? आप विज्ञापन में जो चीज़ लिखे हैं उस चीज़ को आपको देना चाहिए ना। आखिर ये युवा को अब देखो, इसको ठगिएगा? युवा को ठगिए मत। एक दिन आ जाएगा ना तो पड़े, रूस के जैसे क्रांति हुआ था, जिसने लेनिन ने पूरे एक ही दिन में पूरे रूस में सत्ता पलट दी थी, रात भर में वैसी पलट दिया जाएगा। आप सुधरिए, इस चीज़ को सुधारिए। हम लोग नेतागिरी नहीं करने चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीतिक नहीं पढ़े, राजनीतिक से हम लोग यहाँ पर देखे यूनिवर्सिटी टॉप पर रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनीतिक नहीं, हम लोग को बस नौकरी चाहिए। और नौकरी के लिए क्या है दोस्तों, हम भी पिछले 4 साल से झेल रहे हैं, एग्जाम निकाल करके अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। अब बताइए ये क्या है सिस्टम। अब यहाँ पर अगर पंचायत सचिव की बात करें दोस्तों झारखंड में, तो पंचायत सचिव की बहाली क्या है? हाई स्कूल की बहाली क्या? 2016 में आए, 5 साल गुजर गए, पूरे 5 साल में अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है। यहाँ पर सीजीएल के अगर देखें दोस्तों, तो सीजीएल हुए 7 साल हो गए, अभी तक उसका फिर से विज्ञापन को रद्द करने के बाद फिर से फॉर्म भराया गया। फॉर्म भराने के बाद अभी तक एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं है। इन लोग तो पहला बात कि अभी तक कैलेंडर जारी नहीं करते हैं कि कब किसका एग्जाम लिया जाएगा। आखिर आप सिस्टम को सुधारिएगा कब? युवाओं को जोश मत दीजिए ना, तो जोश आ जाएगा तो फिर से पूरे रांची में यहाँ पर देखो तो जाम लग जाएगी, पूरे सरकार को पलट दिया जाएगा एक दिन में। रूस की क्रांति आने का संकेत मत दीजिए, यहाँ की युवा बौखला गया है, पगला गया है। आप जो है इसको सुधारिए। यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो झारखंड बने 20 साल हो गया, अभी तक राजनीतिक विज्ञान के 10+2 टीचर जो है एक भी बहाली नहीं हुआ है। 20 साल से युवा कैसे पढ़ रहे हैं उसका कोई फलकता पता नहीं है, न समाजशास्त्र का, न मनोविज्ञान का, न राजनीतिक विज्ञान का। पीजीटी का बहाली एक बार भी नहीं हुआ, न विज्ञापन आया। आखिर क्यों नहीं आ रही है? ये जो युवा तैयारी कर रहे हैं, पिछले बार की अगर इस एग्जाम को उठाकर देख लेंगे दोस्तों, तो सारे युवा जो हैं, जो पढ़ने वाले 10th, 11th, 12th में स्टूडेंट जो हैं, राजनीतिक विज्ञान में फेल पड़े हुए हैं। क्यों नहीं फेल होंगे? आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है, जब आज तक 20 साल में आपने एक बार भी वैकेंसी नहीं निकाला। यहाँ पर अगर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की बात करें तो 28,000 सीट खाली पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक एक बार भी इन्होंने बहाली लिया नहीं लिया। 52,000 स्टूडेंट टेट पास करके बैठे हुए 2016 से ही। अब सरकार लेगी। आपका 5 साल का वैलिडिटी दिए हुए हैं, आपका यहाँ पर 2021 में खत्म हो जाएगा। लड़का लोग क्या करेगा उस डिग्री का आपको लेकर के, कि हाँ हम लोग टेट पास हैं? आखिर कब तक आप सोए रहिएगा? यहाँ पर कितने ऐसे एग्जाम आ रहे हैं और 5-5 साल तक लटका जो है। आप फिर एग्जाम लिए हैं तो उसका तो रिजल्ट आउट कीजिए, कब तक इसको रोक करके रखिएगा? सिस्टम को सुधारने की जरूरत है दोस्तों। और आप यहाँ पर जो जेपीएससी खेल खेल रही है और जेएसएससी, ये खेल अब नहीं चलेगा दोस्तों, इसको सुधारने की जरूरत है। और सरकार को भी आगाह करना चाहेंगे कि इसको सुधारिए, अन्यथा युवा अब जो है रोष आ जाएगी, और रात में अगर देखें दोस्तों तो रोड में हम लोग आ जाएंगे तो इनको सुधारना पड़ जाएगा। इसलिए चेतावनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उस लोगों तक पहुँचा दीजिए जो 3 लाख रुपये वेतन ले रहे हैं ना बैठे बैठे विधानसभा भवन में, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो कुर्सी बैठ के तोड़ रहे हैं उनको तक पहुँचा दीजिए कि आप हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। करप्शन बोलते हैं दोस्तों, करप्शन तो एक दिन में अगर ठीक हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो, सरकार अगर चाह जाए तो 1 घंटा में इसको ठीक किया जा सकता है। आप क्यों नहीं एक पेपर के द्वारा, गजट पर के द्वारा इसको प्रकाशित कर दिया जाता है कि अगर आप सिस्टम में किसी प्रकार का अगर दोषी पाया जाता है तो पूरे आयोग के जितने भी अधिकारी होंगे सबको सस्पेंड आजीवन के लिए कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी कह दीजिए कि उसके आने वाली जो पीढ़ी होगी, यानी उसका जो बाल बच्चे होंगे, उसको किसी भी सरकारी ऑफिसर में फॉर्म तक नहीं भरने दिया जाएगा। एक बार देखिए करके, कसम से बता रहे हैं कि एक दिन में सिस्टम सुधर जाएगी, कोई करप्शन नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आदमी के एक ही उद्देश्य पैसा कमाना, और पैसा कमाने के चलते उन्होंने करप्शन करता है, यानी कि यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचारी को अपनाता है। और भ्रष्टाचारी किसके लिए करता है? अपने बाल बच्चों के लिए, ताकि उनकी सुख सुविधा बढ़े, उनकी जो व्यवस्था है उनकी व्यवस्थाएं को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंट्रोल कर दीजिएगा, उनकी व्यवस्था में कैसे एक लाइन जोड़ दीजिए कि जो भी पकड़ा जाएगा पूरे आयोग के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और सस्पेंड करने के साथ उनके बाल बच्चों को भविष्य में फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा किसी प्रकार का, पूरे देश में कहीं पर भी। कोई भी ईमानदारी से बता रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर जो होगा वो
दोबारा जो कह रहे हैं कि कभी वो गलती नहीं करेगा भ्रष्टाचारी करने का, एक बार में सिस्टम सुधर जाएगा। आप सिस्टम को सुधारने का तो कोशिश कीजिए, उपाय तो अनेक हैं, लेकिन बस वही है कि सिस्टम को सुधारना नहीं है। और यही है कि अधिकारी यहाँ के मजे मार रहे हैं और विधायक और मंत्री अपने में अयासी में डूबे हुए हैं। ये सिस्टम नहीं चलेगी। यहाँ जो इस उद्देश्य से युवाओं ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, उस युवाओं को समझिए। आप झारखंड के प्रिंस कहने वाले नहीं रहिए कि हम झारखंड के प्रिंस हैं। आप लोगों का क्या प्रिंस है, क्या हम लोग के लिए दिए हैं? अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अब करने की जरूरत है, अब कीजिए। अन्यथा हम लोग भी रोड पर आ जाएंगे तो फिर आपकी जो BMW है ना, वो भी उलट जाएगी। इसी चलते इसको सुधारने की जरूरत है। हम लोग राजनीतिक नहीं करते हैं, ना आपसे किसी प्रकार का हमको कोई अथी है, हमको बस रोजगार दीजिए, हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।